भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, चुरहट में शिवराज पर पत्थर फेंकना बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को। यह भी लगाया आरोप कि पैसे देकर फेंकवाए गए पत्थर, SC ST एक्ट पर रहा गोलमोल जवाब। कार्यकर्ता संवाद में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस हताशा और निराशा से गुजर रही है और अब अपने साथ पत्थरबाजों को आगे कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ वह कायराना और शर्मनाक है। कांग्रेस अपने षड्यंत्र में असफल हो गई, लेकिन यह पत्थर अब कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सभी धैर्य और संयम का परिचय देते हुए केवल अपने मिशन पर कार्य करें। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि वे सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी और रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सेतु का कार्य करते हैं। हमने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हमारा कार्यकर्ता चौथी बार सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। इन्होंने कहा है कि जनता आशीर्वाद दे रही है तथा जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से चौथी बार सरकार बनने जा रही है। इन्होंने बताया कि आगामी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। यह अभूतपूर्व आयोजन होगा और विश्व का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम चौथी बार के महाविजय का शंखनाद होगा। सवालों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि जीतने वालों को ही टिकट मिलेगी। कितने मंत्रियों विधायकों की टिकट कट रही है इस पर कहा कि वक्त बताएगा। SC ST एक्ट पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए सभी को गंभीर होना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एक दिन पूर्व शिवराज सिंह चौहान को घोटाला मामले में चुनौती और बहस के सवाल पर कहा कि वे हताश हैं और आरोप प्रमाणित करें तब तो हम माने। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 34,000 रुपये के कर्ज होने के सवाल पर कहा कि हमने कर्ज लेकर विकास किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रदेश के सड़कों की तारीफ राकेश सिंह ने जब की, उन्हें रीवा से सतना, मनगवां इलाहाबाद, चित्रकूट सतना की सड़कों का हवाला दिया तो प्रदेश अध्यक्ष निरुत्तर रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने। ये वो कांग्रेस है जो अपने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी आज तक घोषित नहीं कर पाई। उसको ऐसा लगता था कि जनता तो भ्रम में आने वाली नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच में भ्रम बनाकर शायद सरकार बनाने की स्थिति में वो आ जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। और इसलिए हताशा के इस दौर में परसों सीपी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा के समय पर जिस तरह से हमला किया गया वो कायराना है, शर्मनाक है और अशोभनीय है। कांग्रेस अपने षड्यंत्र में असफल हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस बेनकाब हो गई और ये पत्थर कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जवाब अब जनता देगी। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं से उसी दिन अनुरोध किया, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से संयम का विनम्र निवेदन किया, अनुरोध किया, अपील की कि हमें धैर्य नहीं छोड़ना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा हुआ है, उत्साह में। मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसके लिए संकल्पित है। कार्यकर्ता का उत्साह इसलिए अत्यधिक है क्योंकि हमारा कार्यकर्ता निरंतर जनता के संपर्क में, संवाद में रहता है।
कार्यकर्ता को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता चौथी बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आशीर्वाद दे रही है। और इसी आधार पर हम ये मानते हैं कि जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मध्य प्रदेश में हम चौथी बार भी सरकार बनाने जा रहे हैं।